क्या हुआ जब रनवे पर टेक ऑफ के लिए दौड़ते हुए प्लेन का इंजन ही उखड़कर अलग हो गया? क्या पायलट इस प्लेन को कंट्रोल कर पाए? आज आप देखने जा रहे हैं अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना, जिसने एक बार पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को ही तबाह कर दिया था। May 25, 1979, अमेरिका के शिकागो शहर का ओहियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोपहर के लगभग 2:10 पर अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 191 शिकागो से लॉस एंजलिस जाने की तैयारी कर रही थी। एमसी डोनाल्ड डगलस DC-10 मॉडल का ये हवाई जहाज N110AA नंबर से रजिस्टर्ड था। ये हवाई जहाज 25 फरवरी 1972 को अमेरिका एयरलाइंस को दिया गया था, और जिसके बाद अपने 7 साल के करियर में इस जहाज ने केवल 20,000 घंटों की हवाई यात्रा की थी। प्लेन का नेतृत्व 53 वर्षीय पायलट कैप्टन वॉल्टर एल के पास कुल मिलाकर 22,000 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था, जिसमें 3,000 घंटों का अनुभव इसी तरह के एमसी डोनाल्ड डगलस DC-10 प्लेन को उड़ाने का था। इस मॉडल के अलावा भी कैप्टन वॉल्टर एल को और भी 17 तरह के अलग अलग विमानों को उड़ाने का अनुभव प्राप्त था। हालांकि उस दिन कैप्टन वॉल्टर की छुट्टी थी, लेकिन एक दूसरे पायलट के अचानक बीमार पड़ जाने के कारण उन्हें उस दिन फ्लाइट को उड़ाने के लिए कहा गया था। फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 49 वर्षीय पायलट जेम्स डी तैनात थे, जिनके पास भी 9,275 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था। इसके अलावा फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर 56 वर्षीय अल्फ्रेड यू भी फ्लाइट में मौजूद थे। धीरे धीरे कर सभी पैसेंजर और क्रू मेंबर फ्लाइट में सवार होने लगे। उस दिन फ्लाइट में 13 क्रू मेंबर्स के साथ 258 यात्री सवार थे। नॉर्मल तरीके से अपने सभी ग्राउंड टास्क पूरे करने के बाद दोपहर के लगभग 2:56 पर प्लेन ने एयरपोर्ट पर अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू किया और एक एक कर सभी तीनों इंजन्स को स्टार्ट किया। उस दिन ATC टावर ने फ्लाइट 191 को रनवे 32R से उड़ान भरने की परमिशन दी थी, और जिसके बाद टैक्सीवे से होते हुए प्लेन धीरे धीरे रनवे पर पहुंचता है। लगभग 3 बजे रनवे पर पहुंचने के बाद फ्लाइट ATC टावर से फाइनल परमिशन का इंतजार करती है। आमतौर पर किसी भी फ्लाइट के दौरान टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल क्षण होते हैं, जहां कॉकपिट में बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर करना होता है, और वहीं दूसरी तरफ प्लेन की स्पीड और डायरेक्शन इत्यादि को भी कंट्रोल में करके सही तरीके से टेक ऑफ और लैंड करना होता है। उस दिन टेक ऑफ करने की जिम्मेदारी फर्स्ट ऑफिसर जेम्स डी की थी, जबकि कप्तान वॉल्टर एल टेक ऑफ प्रोसेस और दूसरे फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर कर रहे थे। कैप्टन ने टेक ऑफ के लिए फ्लाइट क्रू को फाइनल ब्रीफिंग देने का प्रोसेस शुरू किया। प्लेन के वेट, हवा की स्पीड और सभी इमरजेंसी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि अगर 0 से 80 नॉट्स की स्पीड पर कुछ भी खराबी आती है तो टेक ऑफ को कैंसिल कर दिया जाएगा। 80 से 120 नॉट्स की स्पीड पर टेक ऑफ को तभी कैंसिल किया जाएगा अगर प्लेन के इंजन्स में आग लग जाए या प्लेन का कोई टायर फट जाए, और फाइनली अगर रनवे स्पीड 120 नॉट से ज्यादा हो गई तो किसी भी हालत में टेक ऑफ को कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्पीड पर प्लेन को रोकना नामुमकिन होगा और प्लेन पक्का क्रैश हो जाएगा। इसलिए इतनी स्पीड हो जाने के बाद यही सही होता है कि आप टेक ऑफ जारी रखें और हवा में जाने के बाद सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें। और लगभग 3:03 पर ATC कंट्रोलर फ्लाइट 191 को टेक ऑफ करने की परमिशन देते हैं। इंजन्स की पूरी पावर के साथ धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हुआ प्लेन रनवे पर दौड़ने लगता है। कुछ ही क्षणों में प्लेन 80 नॉट्स की स्पीड पर पहुंच जाता है। कप्तान फर्स्ट ऑफिसर को स्पीड की जानकारी देता है। तेजी से स्पीड बढ़ाता हुआ प्लेन अब 120 नॉट्स की स्पीड पर पहुंच जाता है। ये प्लेन की V1 स्पीड थी, जिसके बाद प्लेन को रनवे पर रोकना नामुमकिन होता है। और 140 नॉट्स की स्पीड पर पहुंचने के बाद कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर को रोटेट करने का निर्देश देता है, जिसका मतलब है कि अब प्लेन को लिफ्ट करके रनवे से उड़ान भर लो।
फर्स्ट ऑफिसर अभी रोटेट करने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक से लेफ्ट साइड के इंजन में बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और एक झटके के साथ लेफ्ट इंजन उखड़कर विंग से अलग हो गया। अब चूंकि पायलट कॉकपिट से विंग को नहीं देख सकते थे तो उन्हें लगा कि शायद लेफ्ट साइड का इंजन फेल हो गया है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां तो इंजन ही उखड़कर प्लेन से अलग हो चुका है। अब तक प्लेन 150 नॉट्स की स्पीड पर पहुंच चुका था और उसे रनवे पर रोकना नामुमकिन था। ऐसे हालत में पायलट्स के पास सोचने का टाइम नहीं होता और उन्हें पलक झपकने से पहले डिसीजन लेने होते हैं। अब रनवे भी लगभग खत्म हो चुका था और प्लेन किसी भी वक्त एयरपोर्ट बाउंड्री से टकराकर क्रैश हो सकता था। ये सब देखते हुए फर्स्ट ऑफिसर ने फाइनली प्लेन को टेक ऑफ करवा दिया। हवा में ऊपर उठता हुआ प्लेन लगभग 300 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एटीसी टावर से कंट्रोलर ये सब नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। कंट्रोलर बदहवासी की हालत में चिल्लाकर कंट्रोल टावर में बैठे दूसरे कर्मचारियों को प्लेन से अलग हुए इंजन के बारे में बताता है और तुरंत ही इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है। वहीं प्लेन अब तेजी के साथ दाईं तरफ झुकने लगता है। प्लेन के सभी कंट्रोल पैनल और इंस्ट्रूमेंट्स दाईं इंजन की पावर से ही काम करते थे और इंजन के अलग होने के कारण सभी इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए थे। देखते ही देखते बिना किसी कॉकपिट वार्निंग के प्लेन स्टॉल कंडीशन में आ गया और दाईं तरफ झुकते हुए तेजी से नीचे गिरने लगा। और हवा में महज 50 सेकंड रहने के बाद ये प्लेन एयरपोर्ट के पास ही बने पार्किंग एरिया में गिरकर क्रैश हो गया। संयोग से एयरपोर्ट के पास घूम रहे एक फोटोग्राफर ने ये नजारा अपने कैमरे में कैद कर लिया। दुर्भाग्य से इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 271 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। प्लेन में बैठे लोगों के साथ जमीन पर भी कई लोग इस दुर्घटना में घायल हुए, जिनमें से दो लोगों की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया में इस दुखद हादसे की खबर से शोक की लहर दौड़ गई। फ्लाइट 191 अमेरिका के इतिहास की आज तक की सबसे भयानक हवाई दुर्घटना थी और पिछले 5 सालों में DC-10 मॉडल के प्लेन की यह तीसरी बड़ी हवाई त्रासदी थी। और इस घटना के 2 हफ्ते बाद 6 जून 1979 को फेडरल एविएशन ने सभी DC-10 मॉडल के विमानों का उड़ान सर्टिफिकेट रद्द कर दिया और इसके साथ साथ फेडरल एविएशन ने विदेशी उड़ान के DC-10 विमानों को भी अमेरिका एयरस्पेस में एंट्री करने से मना कर दिया। इस फैसले के कारण बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां जो अपनी उड़ानों के लिए DC-10 विमानों का इस्तेमाल करती थी रातों रात दिवालिया होने की कगार पर आ गई। ये दुर्घटना इतनी दुखद और भयानक थी कि तुरंत ही NTSB ने इसकी जांच शुरू कर दी। अपनी प्रारंभिक जांच के दौरान NTSB ने पाया कि दुर्घटना से महज 2 हफ्ते पहले 11 मई 1979 को प्लेन का रूटीन चेक किया गया था, जिसके दौरान प्लेन में किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं पाई गई थी। लेकिन जब NTSB ने पुराने रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य उजागर होने लगे, जिसके बाद इस दुर्घटना के कारण परत दर परत अपने आप खुलते चले गए। मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि अपने वीडियो बनाने के लिए मैं किस तरह के माइक्रोफोन या कैमरे का इस्तेमाल करता हूँ। वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं बिग पासपोर्ट का USB माइक्रोफोन यूज करता हूँ, जो हमारे आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। बिग पासपोर्ट माइक के नॉइस कैंसिलेशन फंक्शन के कारण ही अपने हर वीडियो के लिए मैं परफेक्ट HD वॉइस आसानी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इसके अलावा अपनी टीम से ऑनलाइन बात करने के लिए भी मैं बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन्स और वेबकैम का इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप भी प्रोफेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन मीटिंग्स करना चाहते हैं तो बिग पासपोर्ट के प्रोडक्ट सभी मेजर ई-कॉमर्स स्टोर जैसे Amazon, Flipkart और Snapdeal पर बहुत ही किफ़ायती प्राइस पर आसानी से उपलब्ध हैं।
सभी प्रोडक्ट के लिंक और स्पेशल कूपन कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ वापस आते हैं अपनी केस स्टडी पर। हादसे से लगभग 8 हफ्ते पहले 29 मार्च 1979 को प्लेन की सर्विस की गई थी। इसी सर्विस के दौरान प्लेन के इंजन को उसके विंग से अलग किया गया था, लेकिन जिस प्रोसीजर का इस्तेमाल करके इंजन को विंग से अलग किया गया था वही सबसे बड़ी गलती पाई गई। एमसी डोनल डगलस कंपनी जो इस प्लेन को बनाती है, उन्होंने इंजन को विंग से अलग करने के लिए खास तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के अनुसार इंजन को पहले विंग्स में लगे पायलॉन से अलग करना चाहिए, उसके बाद पायलॉन को विंग से अलग करना चाहिए। इस प्रोसीजर का इस्तेमाल करके ही इंजन को विंग से सही सलामत और सही तरीके से अलग किया जा सकता था। हालांकि इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा वक्त लगता था और प्लेन की सर्विस का खर्चा भी काफी बढ़ जाता था। इसी एक्स्ट्रा खर्चे को बचाने के लिए अमेरिकन एयरलाइन के साथ साथ बहुत सारी दूसरी एयरलाइंस कंपनियां एक शॉर्टकट का इस्तेमाल करती थी। इंजन को पायलॉन से अलग करके उतारने की बजाय वो लोग सीधा पायलॉन को ही विंग से अलग करके उतार लेते थे और सर्विस करने के बाद पायलॉन समेत ही इंजन को विंग से अटैच कर देते थे। इस प्रोसेस में काफी सारा वक्त और खर्चा बचता था, लेकिन थोड़ा सा खर्च बचाने के लिए किया गया ये शॉर्टकट काफी महंगा साबित हुआ, जिसकी कीमत 271 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। असल में पायलॉन ही भारी भरकम इंजन को विंग से जोड़ता है, इसलिए पायलॉन का विंग्स के साथ सही तरह से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी होता है। अगर पायलॉन को इंजन समेत ही विंग से अलग किया और दोबारा जोड़ा जाए तो इतने भारी वेट को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है और थोड़ी सी भी गलती पायलॉन का बैलेंस बिगाड़ सकती है। लेकिन शायद एयरलाइन कंपनियां इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाई। सर्विस के दौरान अमेरिकन एयरलाइन ने एक फॉर्कलिफ्ट क्रेन की मदद से इंजन समेत पायलॉन को विंग से अलग किया था और सर्विस करने के बाद फॉर्कलिफ्ट क्रेन की मदद से ही उन्होंने इंजन समेत पायलॉन को उठाकर विंग से जोड़ दिया था। लेकिन इसी दौरान फॉर्कलिफ्ट गलती से पायलॉन के पिछले हिस्से से टकरा गई थी, जिस कारण से पायलॉन में हल्की सी दरार आ गई थी। हालांकि ये दरार उस वक्त इतनी खतरनाक नहीं लगी, जिस कारण से मेंटेनेंस स्टाफ का ध्यान इस पर नहीं गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये दरार इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि ये इंजन के भार को सहन नहीं कर पाई और उस दुर्भाग्यपूर्ण फ्लाइट के दौरान बायां इंजन टूटकर पायलॉन से अलग हो गया। प्लेन का ये बायां इंजन ही प्लेन के सभी इलेक्ट्रिक पार्ट्स को पावर सप्लाई करता था, इसलिए जब इंजन टूटकर अलग हुआ तो कॉकपिट में भी सभी मॉनिटरिंग उपकरण बंद हो गए। इसी कारण से बिना कोई वार्निंग मैसेज बजे प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया और पायलट को इसका पता ही नहीं चला। अगर पायलट को कोई वार्निंग मैसेज सुनाई देता तो शायद इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। सर्विस प्रोसेस में हुई इस खामी के पाए जाने के बाद एनटीएसबी ने अमेरिका में उड़ रहे सभी DC-10 मॉडल के विमानों की जांच की और पाया कि ऐसे बहुत से प्लेन थे जिनके पायलॉन भी इस गलत प्रोसेस के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके थे, और आज नहीं तो कल वो विमान भी फ्लाइट 191 की तरह कभी भी ऐसी दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। एमसी डोनल डगलस कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि उन्होंने कई बार अमेरिकन एयरलाइंस को बताया था कि इस तरह से इंजन को पायलॉन समेत विंग से अलग करना सही प्रोसेस नहीं है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और एमसी डोनल डगलस कंपनी के पास इस तरह के कोई अधिकार नहीं थे कि वो एयरलाइंस कंपनियों को इस तरह के गलत प्रोसेस का इस्तेमाल करने से रोक सकें। ये पूरी तरह से एयरलाइन कंपनी की मर्जी पर निर्भर करता था कि वो किस तरह से अपने प्लेन की सर्विस करते हैं। ये सब जानने के बाद जब NTSB को यकीन हो गया कि ये दुर्घटना एयरलाइंस कंपनी के गलत सर्विस प्रोसेस का ही नतीजा है और प्लेन के डिजाइन में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है, तो 13 जुलाई को DC-10 प्लेन पर लगे प्रतिबंधों को फिर से उठा लिया गया और ये प्लेन फिर से उड़ान भरने लगे। इसके बाद आगे जाकर
एविएशन के इतिहास में ये प्लेन सबसे सुरक्षित प्लेन साबित हुए। टेको एयर चैनल और अपने दर्शकों की तरफ से हम इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और भगवान से विनती करते हैं कि ऐसा हादसा फिर कभी ना हो। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके सहयोग के लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद।